यहाँ उपस्थित बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुदर प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर पाल जी, प्रोफेसर प्रसन्न दत्त जी, संचालन कर रहे डॉक्टर विनय जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित प्राध्यापक, छात्र भाइयों और बहनों, स्थापना दिवस इस अवसर पर मैं निश्चित रूप से इसके अतीत की घटनाओं की ओर आपको ले जाना चाहूंगा। आप सबके ध्यान में होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान के हर राज्य में, चाहे वो यूनियन टेरिटरी क्यों न हो, छोटे राज्य क्यों नहीं हो, बड़ा राज्य क्यों नहीं हो, सब जगह कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय। बिहार के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। ये कैबिनेट ने जब ये बात तय की, उस समय हम सब लोगों का दुर्भाग्य था कि कुछ दिनों के बाद सरकार लोग नहीं पाए, लेकिन उसी निर्णय के अनुसार जब यूपीए की सरकार बनी, कपिल सिब्बल साहब मानव संसाधन मंत्री बने, तो मैंने इस विषय को रखा और बिहार विधानसभा के अंदर भी, विधान परिषद के अंदर भी एक प्रस्ताव पास किया। इन सबके बैकग्राउंड में कहानी यह थी, उस समय हम सब सरकार में थे, नीतीश जी जिला स्कूल के मैदान में आए थे, हम लोगों ने मांग की कि महात्मा गांधी जी के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय रखा। तो बिहार मंडल दल ने प्रस्ताव पास किया, मैंने चिट्ठी दी, कपिल सिब्बल साहब ने बिहार सरकार से जमीन मांगी, बिहार की सरकार और सभी राजनीतिक दल के सहमत हुए और हम लोगों ने मांग रखी थी महात्मा गांधी जी के नाम से। और मांग क्यों रखा था, उसके पीछे भी एक कारण था। आप पुस्तक पढ़ेंगे आप कि चंपारण में गांधी, उसमें गांधी जी ने लिखा था कि किसानों को निर्लज्जता के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए चंपारण आए और यहाँ की प्रजा का हाल जानना शुरू किया, तो उन्होंने कहा यहाँ की प्रजा के दुखों का एक मुख्य कारण अविद्या है, अज्ञान का है, इसको आधार बनाकर पूरी बिहार सरकार के विभागों को रखा गया। तो सरकार ने भी माना यहाँ और जमीन भी यहाँ से दिया गया, 300 एकड़ से ज्यादा जमीन का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेज दिया। वो पत्र है, मैं समय पर उसको भी दूंगा। उन्होंने कहा, पत्र में कहा, मेरे पत्र के उत्तर में लिखा कि ये मोतिहारी में नहीं बन सकता। तीन तीन पत्र, फिर बिहार की सरकार ने कहा, मैं बधाई दूंगा नीतीश जी और सुशील मोदी जी, कहा कि आप मोतिहारी में यदि नहीं बनाएंगे तो मैं बिहार में आपको कहीं भी एक जमीन नहीं। एक क्या किया, क्या किया, क्या किया? तो भारत सरकार के जो सेना का जमीन था, मिलिट्री की जमीन थी, डिफेंस मिनिस्ट्री की जमीन गया में, क्योंकि बिहार सरकार जमीन देने के लिए कार्य नहीं, तो गया में इस विश्वविद्यालय को लेकर व्यवस्था और सरकार चली गई। 5 वर्ष पूरे हो गए, एक बात भी समाप्त हो गई और वो जो मोतिहारी में बनाने का प्रस्ताव आरंभ आया वो भी सरकारों के साथ वो प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। जब मोदी सरकार आई, मोदी सरकार आई तो दूसरे कैबिनेट में देश के अंदर 4 स्थान पर केंद्रीय विश्वविद्यालय जनजातीय और इसी प्रकार के थे और उसमें मोतिहारी का भी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रस्ताव आया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल स्कूल है, हम नहीं बनाएंगे कहीं और अपने अपने मेरिट पर हर यूनिवर्सिटी आगे और कभी आया प्रस्ताव कैबिनेट में तो इसको उन्होंने लौटा।
ये मैं दूसरे कैबिनेट में बात कर रहा हूँ, उस कैबिनेट मीटिंग में बड़ा धनबाद तीसरे कैबिनेट मीटिंग में नाश्ते पर मैंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया, हमें नहीं बताया कि किस प्रकार से हम लोगों ने संघर्ष किया। दिल्ली के संसद मारकटों की हारी के लोग गए, उन्होंने कहा कि नहीं इसको इसको अलग से लियाओ। मैंने शिक्षा मंत्री से बात की, मंत्रालय में बात की कि भाई आप एक साथ नहीं अलग लिया। इन सबका कहना था कि जब तक पीएमओ से नहीं आएगा आपके कहने से नहीं करेंगे। अंत में मैंने ये भी काम किया, पीएमओ से संदेश दिलवाया। ये हमारे नेता है, नेता की नहीं करना है। 2014 का दिन आज भी स्मरणीय है, उस दिन महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को बिहारी को मंजूरी दी। तीन फरवरी 2016 को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरा और एक इतिहास था कि एक ही दिन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विधेयक पास हुआ है। पूरे देश में बहुत महत्वपूर्ण होता है तो हम ऐसा होता है। और तीन फरवरी 16 को यहाँ प्रथम कुलपति नियुक्ति हुई। उसके बाद 3 अक्टूबर का वो दिन हमको याद है कि जो आज कॉलेज चल रहा है वो पहले छात्रावास जिला स्कूल चाबेजकर गए थे और मैं था और उसी दिन से उद्घाटन हुआ जिसका 7वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं आप सबको कि जिसका उद्घाटन किया प्रारंभ किया उस दिन भी था और आज 7वां साल हो रहा है, आज भी आपके बीच मौजूद हो और निश्चित रूप से मैं यहाँ मौजूद हुआ हूँ। अभी डीसी साहब न बुलाए हो गए तो मैं यहाँ नहीं आता तो आप सबके दर्शन का मौका नहीं मिलता, इसलिए कोई पति न होंगे तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा आशा और आकांक्षा का परिणाम है। इस विश्वविद्यालय के लिए मुख्यारी के लोग संसद मार्ग पर दिन भर धरना दिया था, 3 घंटों में सब पार्टी के लोगों से और सारे एमपी तो किसी भी तरीके से मेरे आह्वान पर धरना के अंदर आए और इसीलिए यूनिवर्सिटी तो बहुत बने होंगे लेकिन इसकी जो कहानी है संघर्ष से जुड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री की विशेष कृपा से भी इसका संबंध है। अगर वो न चाहते कि विशेष कृपा न होती तो हमारा संघर्ष भी बेकार जाता, इसलिए मोदी जी को भी आदर लगभग छात्र पढ़ रहे हैं और प्राध्यापक भी लगभग 140 21 विषयों में 65 पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय के परिसर के लिए 302 एकड़ भूमि की आवश्यकता है लेकिन राज्य सरकार ने 126 एकड़ जमीन दी और अभी तक 150 से अधिक छात्र यूजीसी नेट में पास हुए, IIT BPSC एवं अन्य उच्चतम विषयों में भी यहाँ के विद्यार्थी पास हुए हैं। 12 राज्यों के छात्र मुझे खुशी होती है, इसी साल 9 साल के अंदर एक राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री कॉलेज है टूटा और सेंटर भी है, अब वहाँ 16 राज्यों के छात्र पढ़ते हैं और यहाँ भी आते यहाँ 12 राज्यों के छात्र और बांग्लादेश और नेपाल के छात्र वहाँ भी हैं और यहाँ भी है। एक संपाद का सौभाग्य है सभी छात्रों का से अभिनंदन करता हूँ कि देश के विभिन्न कोने से और विदेश से भी आकर पढ़ाई करें। संसाधनों की कमी के बावजूद भी जो इसकी अकादमिक गुणवत्ता है क्वालिटी है वो बनी हुई है, इसके लिए भी मैं व्यवस्था को और सारे प्राध्यापक और VC साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विद्यार्थी भी बधाई के पात्र हैं कि संसाधनों की कमी के बाद ही रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, चाहे
देश के आरोप हो चाहे सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में रोजगार की बात हो, इस विश्वविद्यालय के छात्र देश में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। संसाधन भले कम हो परंतु इसकी अकादमिक गुणवत्ता के कारण काशी विश्वविद्यालय, जेएनयू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद आदि के विद्यार्थी भी शोध के लिए इस विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात। इस विश्वविद्यालय के छात्र उच्च शिक्षा के लिए जेएनयू, बीएचयू, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अमेरिका एवं दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों में जा रहा है। इसके कारण इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ रही है। देश विदेश के बड़े संस्थानों में के साथ अकादमिक सहयोग और एमयू के माध्यम से विश्वविद्यालय काम कर रहा है। इससे विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी। विश्वविद्यालय प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा था और जब से भेसी साहब आए हैं श्रीवास्तव जी, इसकी गति और बढ़ गई है। मैं आपको परेशानी होती थी कि यहां जो एक नियम था आने के पहले भी हमने बताया था सब नियम के मुताबिक इसी भी सेंट्रल विश्वविद्यालय का डीपीआर और निर्माण का काम कब होगा जब उतनी जमीन होगी। और इसको लेकर कई बार चर्चा होती थी। विद्यार्थी मिशन के लोग भी आते थे, बहुत लोग आते थे कि अपने यूनिवर्सिटी यहां से जा रहा है, कई बार तो आज भी किया जा रहा है, बहुत परेशानी। मैंने बताया उसने वादा किया था इसी तरह उस समय दूसरे रहे होंगे, मैंने वादा किया था कि ऐसा नहीं। और मैं फिर मोदी जी को और धर्मेंद्र प्रधान जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने जो नियम था कि पूरा जमीन मिलने पर डीपीआर बनेगा उसमें चेंज किया है। पत्रांक वो दिनांक लेटर सहित आपके पास मौजूद है और अब निश्चित रूप से भव्य शिक्षा के इस मंदिर का निर्माण का काम या कोई व्यवधान नहीं होगा और सिंह के काम ही मुझे ज्ञात हुआ है कि इस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह शिक्षा नीति जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बनाने की ओर प्रेरित करती है। आने वाले समय में यह नीति देश का भविष्य तय करेगी और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। यह कार्य भी श्रीवास्तव जी के आने के बाद हुआ है। यहाँ लागू हमने तो तय किया देश में, लेकिन लागू अभी आपके आने के बाद हुआ है, तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका कार्यक्रम 11 से 1 था, उसी के मुताबिक मैंने अपना प्रोग्राम बनाया था, तो मुझको माफ करेंगे, लिखा हुआ है मतलब ये थी अंत में बोलने का। लेकिन चूंकि बाहर भी जाना है तो हमारे वीसी साहब हैं, तो ही मुख्य अतिथि की भूमिका निभाएंगे अंत में। फिर हमारे जो श्रीवास्तव जी हैं, मैं इनके परिवार से बहुत पुराना मेरा परिचय है और इनका शिक्षा के द्वार इतना भारी योगदान है कि मधेपुरा जैसे स्थान को, यूनिवर्सिटी को जिस प्रकार से चलाया और विसंगतियों को जिस प्रकार से वहां दूर किया, मैं आज आपके प्रति मैं पूरे बिहार की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। आपका योगदान जो है और मुझे बड़ी खुशी हुई। आप भिसी हैं, अध्यक्ष हैं, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आज मेरे बड़े मुख्य अतिथि आप हैं, क्योंकि आपने शिक्षा को बहुत बड़ी आपने शिक्षा का अलग लगाया। अब जो बहुत पुराना सपना था हमारे भैंसी इंसान जो दिन थे बैठे हुए हैं, बहुत दिन से लगे थे कि राष्ट्रपति महोदय इस समय तो महोदय थे, लेकिन कुछ दादी मामला था। अब 20 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ दीक्षांत समारोह में भाग लिया और वो दिन स्वर्णिम दिन होगा जब हम 1185 7 वर्षों के अंदर जो छात्र
उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी ऐसे 1450 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान करेंगे, वो यहाँ के लिए स्वर्णिम दिन होगा। और 150 विद्यार्थियों को स्वर्णिम दिन है, तो 150 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे। महोदय को आभार प्रकट करते हुए और प्रोफेसर विपुलसुदन श्रीवास्तव जी के प्रति आदर प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे बाहर जाने के लिए अनुमति देता हूं।